welcome or welcome back to my YouTube channel Tanishalik. I am Tanisha Jaiswal, first profession MBBS student in RSMC Ayodhya. So, आज मेरे साथ है प्रियंका वर्मा जो अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगे. इनने नीट 2022 में 654 मार्क्स स्कोर किया था, द रैंक ऑफ 3782 एंड शी इज एक्सपेक्टिंग KGMU लखनऊ. सो आप आज अपना पूरा स्टोरी बताना चाहेंगी क्या हमारे ऑडियंस को? सो हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैंने नीट 2022 में 654 स्कोर किया है. और मैं यही बोलूँगी कि दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खुद पर ट्रस्ट करोगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे. और जो है कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि और मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा है कि अगर वो लास्ट टाइम में जाके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बट वो टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन तो तुमने अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे किया? यार इसके लिए तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है. तो ये चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे खुद आ जाएगा अगर आप इच्छुक हो जाने को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को, तो ये चीज़ खुद से आपको डेवलप करना ही पड़ेगा. अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 472 थे. गाइज मैं आपको बता दूँ कि प्रियंका वर्मा इज अ 2 ईयर ड्रॉपर, ये इसका थर्ड अटैम्प्ट. चलो फिर तुम अपने ड्रॉप ईयर के बारे में बताओ. फर्स्ट ड्रॉप ईयर में तुमने कहाँ से प्रिपरेशन किया था और तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ रहीं? हाँ, तो फर्स्ट ड्रॉप के बाद मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन किया अलग से एकेम बैच से. तो सेकेंड ड्रॉप में फर्स्ट ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर मैंने एकेम 2020 में ज्वाइन किया. हाँ, फिर सेकेंड ड्रॉप में फिर. अच्छा, यकीन 2021 की भी स्टूडेंट रह चुकी हो मतलब तुम मेरे बैच की. हाँ बोलो. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. तो आप लोग दिवाली पे क्या स्पेशल करने का सोच रहे हो? कुछ तो स्पेशल करते ही हैं इस दिवाली हम एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम हर एक इंसान जो डिजर्विंग है उसकी हेल्प करेंगे, पढ़ाई में हेल्प करेंगे. हम सब मिलके ज्ञान का दीप जलाते हैं. PW कोर्सेज और स्टडी मटेरियल आप खुद यूज़ करने के साथ साथ आप हर एक वो इंसान जिसको आप डिजर्विंग समझते हो उसको गिफ्ट भी कर सकते हो, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो. दिस विल बी द बेस्ट दिवाली गिफ्ट आई बेट. दिवाली के शुभ अवसर पर PW का दिवाली पे का ऑफर अभी लाइव चल रहा है, जहाँ PW के कोर्सेज मिलेंगे आपको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में. सो PW का कोई भी कोर्स लेने का ये बहुत ही सही टाइम है. ओके, और इसके साथ साथ PW आपके लिए लेके आया है न्यू फास्टैग कोर्स. सो द न्यू फास्टैग कोर्सेज ऑन ऑफर आर उमंग फास्टैग कोर्सेज फॉर क्लास 8 स्टूडेंट, नीट फास्टैग कोर्स फॉर क्लास 9, उड़ान फॉर क्लास 10, अर्जुना जेई फॉर क्लास 11 जेई स्टूडेंट, लक्ष्य जेई फॉर क्लास 12 जेई स्टूडेंट, अर्जुना नीट फॉर क्लास 11 नीट स्टूडेंट, लक्ष्य नीट फॉर क्लास 12 नीट स्टूडेंट. यकीन फॉर नीट ड्रॉपर्स एंड प्रयास फॉर जेई ड्रॉपर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको PW स्टडी मटीरियल एंड साथ ही पर भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे. सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाँ, या तो खुद के लिए परचेस करो या किसी को इतना प्यारा दिवाली गिफ्ट ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए अगले साल. सो डाउनलोड द ऐप विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय कूपन कोड TAN150 टू अवेल अ इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 150 ऑन एनी कोर्स दैट यू बाय. सो मूविंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, बट दो तीन 5-6 दिन में मेरा मतलब एक अच्छा वो बन गया था कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ सकती हूँ अच्छे से. तो यही था, मैंने क्लासेस पूरी ली, टेस्ट भी मैं अच्छे से देती थी, बट क्लासेस इतनी लंबी होती थी तो मैं से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था अच्छे से. और बायो में बहुत ज़्यादा मुझे नीडेड भी नहीं था क्योंकि बायो के सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं कहीं से कर रही थी, और जो है फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे प्रैक्टिस में क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं बच पाता था. और केमिस्ट्री की भी मैंने क्लासेस पूरी करी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें हो जाता था मोस्ट ऑफ द.
बट ये है कि फिजिक्स में मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, तो उस समय मेरे को मेंटर्स अगर मिली होती अच्छी तो शायद मैं उसी टाइम सेलेक्ट हो जाती, बट इट्स ओके. लैक ऑफ मेंटरशिप वाली फीलिंग आई है ना इस तरह. हाँ, क्योंकि अगर मेंटर होते तो वो मेरे को बताते ना कि अगर पूछते कि तुम क्या चीज इसमें कर रही हो, फिजिक्स में कैसे कर रही हो, तो अगर उनको ये आइडिया होता कि ये क्वेश्चन नहीं कर रही है तो वो तुरंत मेरे को बोलते कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है. वो चीज़ मैं लैक कर रही थी. और पेपर में मुझे 120 मार्क्स तक के आ रहे थे, बट वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं. हमारा सेकेंड अटैम्प में कितना मार्क्स आते हैं? 525 थे. अच्छा, तो वही है मतलब क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स से लग गई तो. हाँ, बस फिजिक्स में ही लैक करी थी. तो गाइस, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा इस बार बहुत कम मार्क्स से रुक रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा दुख है जिंदगी में कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या पता अगले साल तुम्हें भी KGNU मिल रहा हो इसकी जैसे, कि तुम्हें रिग्रेट तो हुआ हो कि यार कोई भी कॉलेज मिल जाता. तो ऐसा मेरे को लगा था, बट फ्रेंड्स ने बोला कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो शायद मेरे को आइडिया था कि हाँ, और अच्छा मैं कर सकती हूँ. लास्ट टाइम मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर मेरे 620 तक मार्क्स बन जाते हाँ, तो 620 तक आ सकते थे मेरे आराम से. बट वही है, चलो ना इस बार इतने अच्छे आ गए तो ऑब्वियसली. हाँ, लास्ट टाइम जो हुआ अच्छा. फिर ये है कि यूट्यूब चैनल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी आप ब्लाइंडली फॉलो करो, हर जगह से आपको जहाँ से अच्छा गाइडेंस मिल रहा है आप उनको देख सकते हो, जहाँ पर जिस चीज़ में आपको नीडेड. लाइक आपको ये देखना है कि हम डाउट कैसे सॉल्व करें और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें. तो थोड़ा थोड़ा जो होता है ना कि डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज, तो उसके लिए भी यूट्यूब चैनल्स अच्छे होते हैं. मेरा तो है ही. हाँ, तो इनका चैनल मैंने देखा था, तो ये आप काफ़ी ट्रू हो. मैं ये बाई हार्ट बोल रही हूँ. तो आप गाइस से पकड़ में बैठी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं बोला, बोल रही ये दिल से बोल रही है. आप डाउन टू अर्थ हो, लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ. हाँ, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, तो आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा. तो मेरे चैनल से तुमने क्या क्या सीखा? फर्स्ट इज की सेल्फ कॉन्फिडेंस. अच्छा, जो आप इनिशिएटिव लिए हो दैट इज वेरी गुड. और जो है हम जो है भीड़ में अपने आप को कैसे जो है एक अलग पहचान दे, और लोगों को कैसे मोटिवेट करें. जो चीज मैंने फेस किया है वो चीज और लोग ना फेस कर पाए, तो इसीलिए तो कहीं देखो मुझे खुशी तो हो रही है लेकिन बुरा भी लग रहा है. मेरे सब्सक्राइबर्स के जेबी में जा रहे हैं आगे से. ठीक है, खुशी बहुत है, बहुत खुशी है. नहीं, खुश तो होना ही है. वैसे लोग कहते हैं कि तुम जितने मतलब मैं ड्रॉपर हो के यूट्यूब चैनल खोला है, तो पीपल यूज टू डीमोटिवेट मी एंड सो मच ऑफ हेट कमेंट एंड व्हाट यू विल गाइड 650 प्लस के लिए तुम गाइडेंस नहीं दे सकती हो, क्योंकि तुम 600 प्लस की ही गाइडेंस दे सकती हो. बिल्कुल भी. ये लास्ट टाइम के माइंड सेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप 9 to 10 आवर्स डेली पढ़ रहे हो तो यू हैव कैपेबिलिटी टू गेट 650 प्लस मार्क्स. बट वही है, लास्ट टाइम आप अगर डीमोटिवेट हो जाते हो तो उससे मार्क्स काफ़ी नीचे गिर जाते हैं. तो तुम्हें मेरे कौन से प्लेलिस्ट के वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल रहे? जैसे मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं, नीड गाइडेंस, माय वॉरियर प्लेलिस्ट, मेरी कहानी मेरी जुबानी वाज वन ऑफ द फेवरेट प्लेलिस्ट ऑफ यूट्यूब माय यूट्यूब चैनल. तो तुम्हें कौन से वीडियोस देखने ज़्यादा पसंद? मेरी कहानी मेरी जुबानी, क्योंकि वो ड्रॉपर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता था. और बताओ, आपने एक वीडियो बनाई थी ये कि आप अपने डाउट कैसे सॉल्व करते हैं और ऑनलाइन कैसे फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं, हेल्प करते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है. तो ये चीज़ होता है, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आपको ऑनलाइन फ्रेंड्स भी अच्छे मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है. तो आप ऑनलाइन जो है ग्रुप भी बना सकते हो, जो ऑनलाइन आपके बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पर जो है क्विज कर सकते हो, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो. अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, या आप दूसरे से पूछ सकते हो कि आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो. तो गाइस, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है तुम लोग के लिए, जिसमें मैं बहुत इनएक्टिव रहती हूँ लेकिन बच्चे काफ़ी इनएक्टिव रहते हैं. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके उसको ज्वाइन करके जो है ना ऑनलाइन फैमिली बना सकते हो अपने डिस्कशन के लिए. तो काफ़ी अच्छा आइडिया लगा. और तुम बताओ, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा था? पेरेंट्स मेरे थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. कभी ऐसा फील नहीं करने दी कि आप दो ड्रॉप? नहीं, कभी नहीं. मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं फील होने दिया मुझे. और बाकी बाहर के लोग बोल सकते थे, बोलते थे, इनफैक्ट बहुत लोगों से मैंने सुना, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे तुम मेहनत करो और ज़रूर हो जाएगा तुम्हारा. मेरे डैडी ने मुझे बहुत अधिक सपोर्ट किया, मम्मी ने भी, और मेरी मासी है उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत अधिक सपोर्ट किया. और मेरे भैया है, एक स्पेशल थैंक्स मैं उनको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर बहुत सपोर्ट किया.
मेरे डाउट सॉल्व करते थे और एक जो सपोर्ट होता है हर तरीके का उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, तो ये सब था कि और इमोशनल और इमोशनल ब्रेकडाउन कैसा रहा तुम्हारा? मतलब होता होगा यार एग्जाम में कब नंबर देख के फील आता होगा कि यार ड्रॉपर है शायद इस साल, कभी कभी होता है, बट वही आप जितना चिल रहोगे अगर आपको लग रहा है कि हाँ अंदर से फील आ रहा है कि हाँ अगर टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं बट मैं कर सकती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैंने बोला कि मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है, आप प्लीज़ करो और आपको जो है इसका मेडिटेशन होगा। सीखा तो तुमने? हाँ मैंने यूट्यूब से देखा था, एक डॉक्टर है तो उनसे उनकी वीडियो मैंने देखी थी। चलो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, तुम लोग भी सीख लेना बिकॉज शी इज एम्फसाइजिंग ऑन मेडिटेशन अ लॉट, तो तुम लोग भी सीख लेना। एक्चुअली आई यूज टू बिलीव ऑन पॉजिटिव एफर्मेशंस, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस थोड़ी ईजी होती है, मेडिटेशन थोड़ा टफ होता है सीखना, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन टेस्ट के बाद तुम्हारा उसी से ठीक होता था मेडिटेशन करने से। हाँ अगर हम मेडिटेशन कर रहे हो तो स्ट्रेस होगा ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि वो चीज़ थोड़ा सा मतलब जल्दी आप उसको टैकल करोगे, आप एक पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप हो जाता है, फोकस्ड स्टडी होती है, सिली मिस्टेक कम होते हैं। तो मतलब मेडिटेशन के लिए एडवांटेजेस है कि सिली मिस्टेक्स भी कम होते हैं। फोकस्ड माइंड रहेगा ऑब्वियसली तो सिली मिस्टेक कम ही होंगे। ओके तो ये मुझे पहले पता था, तो मैं भी आज के जेम यू में होती यार पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी अच्छे थे बट सिली मिस्टेक्स होते थे जो कि मेडिटेशन से नहीं होंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके मेडिटेशन सीखो। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने दी के साथ और वीडियोस बना रखे हैं तो आपको उनको देखना चाहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, मिलेगी इम्पैक्ट। सो मैं इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट ही बना दूंगी, मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है जिस जिस में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल हर वीडियोस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।